हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, हिरोशिमा टू कश्मीर, भारत का डंका, G7 में हिंदुस्तान का दम, पीएम मोदी। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं, देखते जाओ। ये तो सबसे पॉपुलर होगा। जापान में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन से आई इन तस्वीरों ने एक बार फिर पूरी दुनिया को हिंदुस्तान का जलवा दिखा दिया। यकीनन इन मुलाकातों ने चीन की नींद और चैन दोनों को उड़ा दिया होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर दुनिया के ताकतवर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कायल वेट कर रहे थे कि साथ में चलने के लिए। G7 की बैठक के दौरान उस वक्त चीन को चक्कर ही आ गया होगा, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी को ढूंढते हुए उनके पास आए और गर्म जोशी के साथ गले लगा लिया। मोदी जी रेडी थे जब पीएम मोदी ने इस बैठक में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। वेरी नाइस। यहाँ भी दोनों नेताओं ने गले लगाकर एक दूसरे का स्वागत किया। इसकी भी वीडियो दिखा दो। इस बीच G7 देशों ने साझा बयान जारी किया और चीन का बिना नाम लिए सख्त तेवर दिखाया। चीन से कहा गया कि पारदर्शिता या सार्थक संवाद के बिना अपने परमाणु शस्त्रागार के निर्माण में तेजी लाना वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चिंता का विषय है। चीन से यह भी कहा गया कि वो ताइवान की स्थिति का सम्मान करे। हालांकि चीन ने G7 के साझा बयान पर ऐतराज जताया, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है कि चीन की दादागिरी को रोकने के लिए दुनिया की शक्तियां एकजुट हो रही हैं। भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों से लगातार भारत को इस समिट में गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। 2019 के बाद से ये लगातार पांचवी बार है भारत को G7 समिट से हमेशा बुला रहे हैं। मोदी डिप्लोमेसी की एक और तस्वीर देखिए। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से न सिर्फ मुलाकात की, ये संदेश भी दे दिया कि भारत यूक्रेन संकट के समाधान के पक्ष में है। मैं आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा पाता था, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से अच्छा लिखा है, नीचे भी लिखते जा रहे हैं, स्वयं समझ नहीं आ रहा था। उनको समझ कैसे आएगा, मैं ये समझ रहा हूं। उसके बाद बोला होगा ना, ट्रांसलेट होगा पूरा। ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता भी दिया। हिरोशिमा में ग्रुप ऑफ 7 समिट के बीच क्वाड देशों की बैठक भी हुई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को 2024 में भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने में खुशी होगी। देख लो, यानी अगले साल क्वाड देशों की बैठक भारत में होगी, फिर इंडिया सजेगा, फिर और बच्चे। तो अगला झटका 22 से 24 मई तक श्रीनगर में होने वाली G20 की बैठक से भी लगने वाला है। देश विदेश से आ रहे स्वागत के लिए क्या बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। G20 बैठक की मेजबानी करने जा रहा है को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बेहद विकसित कर दिया गया है। जगमगाती रोशनियों के बीच ये शहर अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स के स्वागत के लिए एकदम तैयार है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव पोस्ट की इन तस्वीरों को देख भारत की तैयारी का अंदाजा हो जाएगा। पाकिस्तान देख ले। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को इस तरह से इनपुट है कि कश्मीर में होने जा रहे G20 सम्मेलन से बौखलाया पाकिस्तान, खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में किसी बड़े आतंकी हमले करने की फिराक में। इस इनपुट के बाद भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा चौकसी बढ़ा दी गई है। श्रीनगर की धरती पर G20 की मेजबानी की खबर से न सिर्फ आतंकिस्तान जल खुन गया है, बल्कि उसके आका चीन की भी बेचैनी बढ़ी है। चीन ने तो श्रीनगर में होने वाली मीटिंग का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। कर हम भी करेंगे तुम्हारे बायकॉट। श्रीनगर
श्रीनगर में G20 की बैठक ना हो पाए या फिर बैठक को लेकर विवाद खड़ा किया जाए, इसके लिए पाकिस्तान लगातार अलग अलग हथकंडे अपना रहा है। जरा हो जाए फिर। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने सभी देशों में अपने दूतावासों को चिट्ठी भेजी है। 8 पेज की इस चिट्ठी के जरिए श्रीनगर में होने वाली बैठक का विरोध करने की बात कही गई है। दुनिया में भारत की साख खराब करने की बात भी इस चिट्ठी में लिखी गई है। इतना ही नहीं, मुस्लिम देशों से भी पाकिस्तान ने गुहार लगाई है कि वो भारत से अपने रिश्ते खराब करे। इसके लिए भारत में मुस्लिमों की खराब हालत का हवाला भी दिया गया है। मगर हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करने वाला तुर्की भी इस बैठक में आने से कतराने लगा है। साथ ही सऊदी अरब ने भी अब तक दिलचस्पी नहीं दिखाई है। चीन और पाकिस्तान भले ही रोते पीटते रहे, अपने करीबियों को भड़काते रहे, लेकिन भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। G20 की तैयारी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और जम्मू कश्मीर के निवासियों ने भी, उनका भी बहुत बेहतरीन ढंग से किया है। आप लोगों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग मिलकर के एक शानदार आयोजन कर रहे हैं और आयोजन की सफलता का जो संदेश जाएगा पूरी दुनिया में, बिल्कुल, उससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ टूरिज्म भी बढ़ेगा। श्रीनगर में होने वाली बैठक कई लिहाज से अहम है। 370 हटने के बाद घाटी में पहला इंटरनेशनल इवेंट यहाँ होने वाला है और भारत पूरी दुनिया को यहाँ आए बदलाव की हकीकत बताना चाहता है। इसीलिए चीन और पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। और नहीं तो मौजूदा हालात से ये भी साफ है कि दुश्मन कुछ भी कर ले, वो अपने मंसूबों में किसी कीमत पर कामयाब नहीं होगा। गुस्सा आ रहा था सुनकर कि चिट्ठियां भेजी हैं पाकिस्तान ने और साथ में बाकी जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उन सबको बोल रहे हैं कि आप मत जाओ G20 जो कश्मीर में हो रहा है। और कई अभी तक हैं, जैसे बता रहे हैं सऊदी और टर्की, ये सब हिचकिचा रहे हैं। अभी तक उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दी, नहीं आना मत आओ, हु केयर्स, हम उस तो वाली करके मीटिंग में जो कश्मीर, हाँ, जो कश्मीर में, उन्हें कहा तुम किसी में भी मत आओ, बेटर है तुम आओ ही मत, तुम लोगों की जरूरत ही नहीं है ऐसी कंट्रीज की। और मैं तो ये सोच रही हूँ ये जो पाकिस्तान इतना गिरा हुआ है और कितना गिरेगा, ये कितना गिरेगा। देखिए धीरे धीरे सब चेंज होने वाला है, अकेला रह जाएगा पाकिस्तान, होना तो यही चाहिए। जैसे 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 5-6 साल में इंडिया आगे बढ़ने वाला है, जर्मनी को ओवरटेक करेगा, जापान को करेगा, 8 साल में इंडिया थर्ड कौन लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, तब जो है कोई भी सुनेगा नहीं पाकिस्तान की। हमारे अरेबिया कहेगा भैया हम अपना देखना चाहते हैं तुम्हारा नहीं। दूसरी कंट्रीज तो भी यही करेगा, बोलेगा हमें अपना परवाह है तुम्हारी परवाह नहीं है, हमें अब खुद का करना है भैया। दूसरी कंट्रीज तो है, इवन मुस्लिम कंट्रीज भी नहीं सुनेंगी, पर हमारे बैठे हुए गद्दार इंडियन जरूर सुनेंगे जो जा रहे हैं ये पाकिस्तानी चैनलों को देखने। मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है जब मैं ऐसी वीडियोस देखती हूँ और देखती हूँ कि पाकिस्तान देखो कैसे गंदे गंदे काम कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट, फिर भी जो पाकिस्तानी चैनलों को देखते हैं क्या सोच के तुम जाकर देखते हो, जिनकी गवर्नमेंट, मतलब आप चाहे इमरान खान की देख लो अगर वो पावर में आए, या आप इसको शहबाज शरीफ को देख लो वो आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट आए वो इंडिया के अगेंस्ट इसी तरह के प्रोपोगंडे, इसी टाइप की चीजें करती है, तो वहां का आम इंसान कैसे अच्छा हो सकता है, मेरे समझ में नहीं आता। आप लोग जो देखते हैं उनसे जाके पूछो भैया तुमको क्या दिखता है उनमें अच्छाई, हाँ पता नहीं, पर वो तो ना समझ लोग हैं जो वहां जाते हैं, कैसे लोग हैं। मगर यहाँ पे जो एक चीज मजेदार और दिखी थी वो था कि हमने पहले जो वीडियो की थी कश्मीर की, जहाँ पे वो नीचे पड़ी हुई थी सजाने वाली चीजें, वो लग चुकी है, वो सब लग चुकी है, बटरफ्लाई वाली और दूसरी, और कितनी सुंदर लाइट नीचे से आ रही है और ऐसे लगी हुई है, लोग फोटोज खिंचा रहे हैं, और ऐसी एक नहीं है, उन्होंने कई जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे अलग अलग डिजाइन की लाइटें लगाई, अमेजिंग हो जाएगा, कमाल कर दिया, कमाल ये। और मैं तो ये कह रही हूँ कि हर एक जो कश्मीरी है वो अपना एक धर्म समझ ले कि जब तक G20 नहीं होता, हम जहां पे भी, अगर हम होटल में रह रहे हैं, अगर हम चलते हुए कहीं दुकान पे जा रहे हैं, अपनी आंख कान खोल के रखे, कोई भी शक्की आदमी हो इमीडिएटली करेक्ट अथॉरिटी को करो, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है कि G20 पूरा सक्सेसफुल होना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी कि किसी होटल के अंदर कोई ड्राइवर बैठा हुआ है आतंकी टाइप, उसने प्लान किया हुआ था कि पता नहीं कौन सा गुलमार्ग में या कहीं वहां पे वो कोई हमला करेंगे, कोई मेजर 2611 टाइप का, जो अब उसकी इंफॉर्मेशन मिली है। तो ऐसे पता नहीं क्या क्या कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। तो अगर हर एक इंडियन जो है वहां पे जो रहता है, जो गया है घूमने भी, वो अपने आंखें कान खोल के रखे और ऐसे लोगों को पकड़ाने में हेल्प करे, तो भाई आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी हमारे। नहीं, देखिए कश्मीर के लोग भी हैं वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि वो होस्ट कर रहे हैं,
पूरे इतनी इस मोदी जी ने बहुत इज्जत दी है कश्मीर को ये करके, जबकि रिस्की था, सब पता था प्रॉब्लम्स होंगी। मोदी जी ने कहा नहीं, ये हमारा पार्ट ऑफ इंडिया है, जब बाकी पार्ट ऑफ इंडिया में हो रहा है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होगा। उन्होंने मैं तो ये कहूंगा कश्मीर के जितने भी लोग हैं वो बड़े प्राउड फील कर रहे हैं कि वो होस्ट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से सभी चाहेंगे कि बहुत अच्छा कार्यक्रम वहाँ पे हो। तो होना चाहिए, जिसने आना है आओ, नहीं आना मत आओ, होगा तो कश्मीर में ही। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।